वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बहुत स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर। लेकिन क्या है ये पूरी वीडियो और क्या है ये टॉपिक, इसको जानने से पहले एक बार फिर से, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीके साइंस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको सिर्फ यही मिलेगा। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पर और आपको बताते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि लगातार हम चंद्रयान 3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स को साझा कर रहे हैं और पर डे चंद्रयान 3 को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। वैसे ही दोस्तों, आज सुबह एक बार फिर से चंद्रयान को लेकर की एक बड़ी खबर आ गई है, तो मैंने सोचा इस बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करा दूं। दरअसल दोस्तों, आपको पता है कि अब हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, और बस मात्र कुछ दिन शेष ही रह गए हैं जब भारत जो है वो इतिहास रचेगा। इतिहास ऐसे रचेगा कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके। हो सकता है दोस्तों 23 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन हो जब हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और इसी सॉफ्ट लैंडिंग को कराने के लिए जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो आज से शुरू कर दी गई है। मैंने आपको पुराने और पिछले वीडियोस में बताया है कि किस तरह से अब हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चांद के कितने करीब पहुंचा है। मैं आपको वो लिंक दे देता हूं, आप हमारे उस लिंक पर जाइए और उस पुराने वीडियो को देखिए। मैंने डिटेल से आपको बताया है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चंदा मामा के चांद के सतह से अब मात्र कितनी दूरी पर रह गया है। तो ये तो हो गई कल की बात, पुरानी वीडियो की बात, लेकिन आज सुबह सुबह क्या अपडेट आया है इसरो की तरफ से, मैं उसके तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपको पता है कि इसरो इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि उसका एक मिशन जो है चंद्रयान 3 वो इस वक्त रन पर है, यानी कि वो संचालित है, वो चल रहा है। चंद्रयान 3 को दोस्तों इसरो ने 14 जुलाई को चांद पर भेजा। सबसे पहले पृथ्वी की उसने 5 चक्कर कंप्लीट किए, फिर उसने ऑर्बिट जो हाईवे होता है मैनुअल हाईवे उस पर उसने अपनी सफलता हासिल की, और उसके ठीक बाद दोस्तों आज यानी कि 17 अगस्त का दिन, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये सुनकर आपको चौंक सकता है, आपको थोड़ी सी ये लग सकती है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो जी हां दोस्तों, आज का वो दिन होगा जहां हमारे चंद्रयान 3 के 2 टुकड़े होंगे। जी हां, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे चंद्रयान 3 2 हिस्सों में बट जाएगा। जी हां, उसको क्या कहते हैं, कैसे वो प्रोसेस होता है, चलिए मैं आपके सामने डिटेल से रखता हूं। दरअसल दोस्तों, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए, ये वही चंद्रयान 3 हमारा है जो एक आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए 16 अगस्त यानी कि कल का दिन जो है वो उसने पांचवी कक्षा में, जो चांद का ये पांचवी कक्षा है वो पूरी तरह से उसने कंप्लीट कर दिया, जो मैं आपको पहले इससे पहले बता रहा था। ये देखिए, ये जो पांचवी कक्षा है, बिल्कुल ये जो पांचवी कक्षा है, ये पूरी पांचवी कक्षा चंद्रयान 3 ने जो है वो हमारा कंप्लीट कर लिया है चांद की। जी हां, यानी कि आपको मैंने बताया था कि पहले पृथ्वी की उसने 5 चक्कर काटे, और अब जाकर के हमारा चंद्रयान 3 जो है कल का दिन, जो 16 अगस्त का दिन था, बिल्कुल 16 अगस्त का जो दिन था, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हां, ये देखिए, एक मिनट, हां मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हाँ ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये कल का दिन जो था, आज का दिन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, 17 अगस्त है, आज डेट भी है यहां पे। तो कल का जो ऐतिहासिक दिन था दोस्तों, 16 अगस्त का दिन, हमारा चंद्रयान 3 जो है वो पूरी तरह से चंद्रमा के 5 चक्कर, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहा है लाइन आपको, 5 चक्कर उसने कल कंप्लीट कर लिए। जी हाँ, ये जो ऑर्बिट है चंद्रमा की कक्षा है उसमें उसने जो उसको 5 चक्कर काटना था वो उसने कंप्लीट कर लिया है। तो ये थी कल की बात जो मैंने आपको वीडियो के जरिए बताया। अब चलिए आते हैं आज के बारे में। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि कल जो है सिर्फ 1 मिनट के लिए इंजन को ऑन किया गया था, और
अब वह पूरी तरह से 15 किलोमीटर इंटू 16 किलोमीटर प्रति घंटा ऑर्बिट में घूम रहा है। जी हाँ, अब हमारा चंद्रयान जो है वो इसी तरह से ऑर्बिट में 153 गुना 163 किलोमीटर की रफ्तार से चंद्रमा की चक्कर काट रहा है। मैं बता दूं, इससे पहले चंद्रयान 3 जो है 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। ये बात 14 अगस्त 2023 की है और इस समय प्रोफेशनल मेडबुल रेक्टिफिकेशन वो जो है ये करवा रहा है। यही चीज देखिए, ये इसको हम लोग आम भाषा और साइंस के भाषा में जो कहते हैं प्रोफेशनल मेड्यूल रेक्टिफायरिंग। जी हाँ, ये कल जो मैंने आपको बताया जो एक मिनट के लिए इंजन चालू किया गया था, इसको हम यही करते हैं, यानी कि इसरो के तरफ से चंद्रयान 3 को फायर किया जाता है ताकि उसमें थोड़ी बहुत तेजी आ सके। लेकिन आज 17 अगस्त के दिन पर आते हैं दोस्तों, और मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा चौंकेंगे कि आज ये क्या कह रहे हैं। तो 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के दो टुकड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज यानी कि 1 से लेकर 2 बजे तक हमारा चंद्रयान जो है, बिल्कुल यही तस्वीर देखिए, दो टुकड़ों में जो है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। जी हां, फिर क्या होगा आपके मन में सवाल होगा कि फिर क्या होगा। तो चलिए, 17 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटर मॉड्यूल दो हिस्सों में बटेगा। इसका एक हिस्सा प्रोफेशनल मॉड्यूल और दूसरा हिस्सा लैंडर मॉड्यूल में बटेगा। तो पहले जानिए, एक जो इसका हिस्सा होगा वो प्रोफेशनल मॉड्यूल में बटेगा और दूसरा हिस्सा लैंडर मॉड्यूल में बटेगा। यानी कि आज 17 अगस्त को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक बीच हमारा जो चंद्रयान गया है दोस्तों, उसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा का नाम है प्रोफेशनल मॉड्यूल, जो साइंस की भाषा में कहा जाता है, वहीं दूसरा हिस्सा लैंडर मॉड्यूल है। प्रोफेशनल मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल आगे की यात्रा पूरी करेगा। जी हां, एक जो उसका पार्ट होगा दोस्तों वो बैक हो जाएगा और दूसरा जो होगा जिसका नाम प्रोफेशनल मॉड्यूल होगा वो आगे की यात्रा पूरा करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद 18 और 20 अगस्त को लैंडर की डी ऑर्बिटिंग कराई जाएगी। आप सोचिए डी ऑर्बिटिंग क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। डी ऑर्बिटिंग का मतलब हुआ जो एक हिस्सा चंद्रयान 3 का जो है वो अलग होगा, ताकि जो अब जो है दोस्तों, देखिए ये पूरी तरह से प्रोसेस में आ गया है। आज का मैंने बताया कि आज हमारा चंद्रयान 3 जो है वो दो हिस्सों में बटेगा, प्रोविजनल शेड्यूल और मैनुअल शेड्यूल में, और इसके बाद एक हिस्सा जो है उसका वो नीचे की तरफ आ जाएगा और दूसरा जो हमारा रोवर होगा जो चांद की सतह पर लैंड करेगा वही हिस्सा आगे बढ़ेगा, यानी कि इसरो और एक मिनट के लिए इंजन को ऑन किया जाएगा। वहीं 20 अगस्त की देर रात 1:45 बजे के आसपास फिर यही काम किया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि अभी चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में लाना बाकी है। तो दोस्तों, अब इसको आम भाषा में आप समझिए, मैंने आपको अभी साइंस की भाषा में समझाया जो साइंस में लिखा है, इसरो की तरफ से अपडेट किया गया, अब इसको आम भाषा में समझा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि चांद पर वायुमंडल जो है वो पूरी तरह से अलग है, गुरुत्वाकर्षण उसकी शक्ति है, चांद और वातावरण जो है वो अपनी तरफ खींचता है। स्पीड क्यों कम करता है इसरो, नासा या कोई जो वैज्ञानिक है, इसलिए कम करता है दोस्तों ताकि उसकी सेफ लैंडिंग हो सके। यानी कि अगर ज्यादा स्पीड होगी दोस्तों, अब देखिए कि कोई चीज, मानिए कि आपने न्यूटन का थ्रो पढ़ा होगा, अगर हम किसी चीज को नीचे ऊपर से गिराते हैं दोस्तों, फुटबॉल की बात करते हैं, तो वो उछलता है, गिरता है और उछलता है। लेकिन चांद की स्थिति पर वैसा चीज नहीं होता है, और जो चीज हमारे चंद्रयान 3 के साथ किया जा रहा है, पहला व्यक्ति जो चांद पर गए थे अमेरिका की तरफ से, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, इसीलिए स्पीड कम की जा रही है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो आसान तरीके से हो सके, सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। तो आज का जो मेन मुद्दा है, आज का जो मेन टॉपिक है दोस्तों, जो खबर थी सुबह सुबह आई इसरो की तरफ से, उसमें यह बताया गया कि आज 17 अगस्त को 1 से 2 बजे के बीच चंद्रयान 3 के दो हिस्से होंगे, दो हिस्सों में चंद्रयान 3 बटेगा और बटने के बाद एक हिस्सा आगे की तरफ बढ़ेगा जो रोवर होगा, और वही रोवर चंद्रयान 3 पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को करने वाला है। तो जैसे ही इसरो की तरफ से और कोई टॉपिक आएगा और कोई भी खबर छोटी बहुत आएगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा, और साथ ही साथ
ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किस तरह का सुझाव कमेंट हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पल पल की अपडेट चंद्रयान 3 से जुड़ी जो भी आएगी दोस्तों मैं आपको वो बताऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और चलते चलते एक बार फिर से अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीके साइंस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।